हेलो गाइस फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप जी के क्वेश्चन आंसर के विषय में जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए जो भी भाई हमारे चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर ऐसी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक ज़रूर पहुँचे तो आइए हम देर ना करते हुए वीडियो की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू है हमारा सशस्त्र सेना झंडा दिवस किस दिन मनाया जाता है तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर है सात दिसंबर को नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पुलिस स्मिथ दिवस किस दिन मनाया जाता है राइट आंसर है प्यारे बच्चों इसका इक्कीस अक्टूबर को नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्यारे बच्चों इक्तीस मई किस रूप में मनाया जाता है राइट right आंसर है इसका एंटीटूबिको डे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इक्कीस जनवरी को निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस मनाया जाता है तो राइट आंसर है प्यारे बच्चों इसका गुरु गोविंद सिंह का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में तेरह फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है तो राइट आंसर है प्यारे बच्चों इसका सरोजनी नायडू की नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पाँच सितंबर किस रूप में मनाया जाता है राइट आंसर है प्यारे बच्चों इसका शिक्षक दिवस के रूप में शिक्षक दिवस जो है वो पाँच सितंबर को मनाया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राजीव गांधी का जन्म दिवस बीस अगस्त किस रूप में मनाया जाता है तो राइट आंसर है प्यारे बच्चों इसका राष्ट्रीय सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बाल दिवस कब मनाया जाता है तो राइट आंसर है प्यारे बच्चों इसका चौदह नवंबर को चौदह नवंबर को जो है वो बाल दिवस मनाया जाता है प्यारे बच्चों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है तो राइट आंसर है इसका नौ जनवरी को नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है तो राइट आंसर है प्यारे बच्चों इसका बारह जनवरी बारह जनवरी को जो है वो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है तो नेक्स्ट तो राइट आंसर है प्यारे बच्चों इसका बारह नवंबर बारह नवंबर को जो है वो राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बाल दिवस किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है तो राइट आंसर है प्यारे बच्चों इसका पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल दिवस जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के उपलक्ष्य में मनाया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्यारे बच्चों देश के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है तो इसका राइट आंसर है प्यारे बच्चों शिक्षक दिवस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बीत बीटिंग द रिटेड का संबंध किससे है तो राइट आंसर है प्यारे बच्चों इसका गणतंत्र दिवस के संबंधित या है बीटिंग द रिटेट नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों हमारा किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है तो राइट आंसर है प्यारे बच्चों इसका स्वामी विवेकानंद नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी का जन्म दिवस राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है राइट right आंसर है प्यारे बच्चों इसका मेजर ध्यान ध्यानचंद नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है राइट right आंसर है प्यारे बच्चों इसका भारत में नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में डाकघरों की संख्या लगभग है राइट right आंसर है प्यारे बच्चों 1.5 लाख यानी भारत में डाक घरों की संख्या वन पॉइंट फाइव लाख है नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन चैनल है एक यानी ग्रीन चैनल एक जो है वो क्या है तो राइट आंसर है प्यारे बच्चों डाक सेवा है जो डाक सेवा है ग्रीन चैनल जो है वो एक डाक सेवा है नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में डाक सूचांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई तो राइट आंसर है प्यारे बच्चों इसका उन्नीस में नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है राइट आंसर है हमारा इसका आठ यानी भारत को कितने डाकघर यानी भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है तो भारत को आठ डाक जोन में विभाजित किया गया है नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रसिद्ध विरुपक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है नेक्स्ट राइट आंसर है पहले बच्चों हमारा हम्पी में नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था राइट right आंसर है प्यारे बच्चों इसका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहन जोदाड़ो कहाँ स्थित है राइट right आंसर है प्यारे बच्चों इसका सिंध में मोहन जो, जो स्थित है वो सिंध में स्थित है नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविद सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की तो राइट आंसर है प्यारे बच्चों इसका चंपारण में नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंकिंग के क्षेत्र में सीबीएस में सी का पूर्ण रूप क्या है राइट right आंसर है प्यारे बच्चों इसका सी का पूर्ण रूप जो है वो कोर है कोर नेक्स्ट क्वेश्चन है सी एडी का पूर्ण रूप क्या है तो राइट right आंसर है प्यारे बच्चों इसका कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों ओ एम आर का पूर्ण रूप क्या है तो राइट आंसर है प्यारे बच्चों इसका ऑप्टिकल मार्क रीडर तो आई होप आप सबको यह वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और जो हमारे चैनल पे नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें ताकि हर आने वाली ऐसी वीडियो जल्द से जल्द आपके पास ज़रूर पहुँचे तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद जय हिंद